दोस्तों 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड के चिंटू यानी कि ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है। इसके बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी सदमे में है। हर तरफ शोक की लहर छा चुकी है। इरफान खान की मौत के बाद ऋषि कपूर का जाना सबके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक है। लेकिन जिस अस्पताल में ऋषि कपूर जी का इलाज चल रहा था, उस अस्पताल के डॉक्टर को कुछ ऐसी बातें पता थी जिस वजह से ऋषि कपूर को बचाया जा सकता था, पर वह फिर भी ऋषि कपूर जी को बचा नहीं पाए। तो ऐसा क्या पता था उन डॉक्टर्स को, आज हम आपको इन्हीं बातों की जानकारी देंगे। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर ने मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। 67 वर्ष की उम्र में कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ते हुए वे जिंदगी एवं मौत के बीच जूझते हुए हार गए। उनका निधन न केवल सिनेमा जगत के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए भी काफी सदमे भरा है। इनका निधन रोमांटिक फिल्मों के एक युग की समाप्ति है, क्योंकि कल तक उनकी रफ्तार की मिसालें थीं, आज उनकी खामोशी के चर्चे हैं। ऋषि कपूर की पहचान उनकी रोमांटिक फिल्मों से है और उन्हें रोमांस का किंग भी कहा जाता है। अगर आज भी बॉलीवुड में रोमांस की बात की जाती है तो सबसे पहले सरगम में डपली बजाते हुए ऋषि कपूर ही नजर आते हैं। आपको बता दें कि जब ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उस समय डॉक्टर के अनुसार इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद ऋषि कपूर को वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर का कहना था कि जब उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया तब भी ऋषि कपूर लोगों का सिर्फ मनोरंजन ही कर रहे थे। डॉक्टर की पूरी टीम उन्हें हर 10 मिनट में आकर चेक कर रही थी। लेकिन अगली ही सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर ने रिलायंस अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। खबरों के मुताबिक उनकी तबीयत में सुधार थी, पर बुधवार की सुबह उनकी तबीयत अचानक ही ज्यादा बिगड़ गई, जिसे डॉक्टर संभाल नहीं पाए और ऋषि कपूर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनकी यादें और इनकी फिल्में हमेशा हमारे जहन में रहेगी।